हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो TCS ने कोड वीटा एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। ये एक ग्लोबल कोडिंग कंपटीशन होता है, सो इफ़ यू आर अ कोडिंग एंथुजियास्ट एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव अ कंपटीशन और गेट अ जॉब और टू अर्न गुड प्राइजेस, दैन डेफिनेटली गिव दिस एग्ज़ाम। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन होता है। तो आज के वीडियो में हम एंड टू एंड TCS कोड वीटा एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट वॉट इज़ TCS कोड वीटा। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ TCS कोड वीटा। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम फॉर्मैट। द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इज़ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड द जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन गेट आफ्टर गिविंग द TCS कोड वीटा कॉन्टेस्ट। Next, we will understand the skills that you have to focus on to crack this contest. And last but not the least, we will understand the common mistakes that you should avoid while giving your TCS Code Vita contest. So without any further ado, let's jump into the video. So TCS Code Vita jo hai 2012 mein launch hua tha, yani ye 12th season hai Code Vita ka, and it is a global programming competition designed to identify top coders around the world. It is the world's largest programming contest with registrations from 98 countries and regions, providing it a true global phenomena. So basically, agar aapko coding mein interest hai aur aap aise koi global level ka competition dekh rahe ho, koi contest dekh rahe ho, then this can be a really good opportunity because all over the world log isme participate karte hain. काफ़ी अच्छा इसका प्राइस होता है। प्राइस मनी इज़ 20,000 USD, जो कि इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 16-17 लाख रुपीज़ होता है। एंड टॉप 3 विनर्स को ये प्राइज़ मिलता है, सो बहुत ही अमेजिंग है। एंड ऑल्सो अगर आप सारे राउंड्स को क्वालिफाई नहीं भी कर पाते, अगर आप विनर नहीं भी होते हो, देन टू आफ्टर सॉल्विंग 3-4 क्वेश्चंस यू बिकम एलिजिबल टू गिव द डायरेक्ट इंटरव्यू फॉर TCS निंजा डिजिटल एंड प्राइम प्रोफाइल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग द TCS कोड वीटा कॉन्टेस्ट। सो आप साइंस या इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में हो, आप कोड वीटा का एग्जाम दे सकते हो। अब जैसे कि TCS का जो निंजा और डिजिटल वाला जो एग्जाम होता है TCS NQT, उसमें BCA वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, तो उनको बड़ी कंप्लेंट रहती है कि BCA वाले क्यों नहीं दे सकते हैं। बाकी तो सारी फील्ड्स, बीटेक की सारी फील्ड्स दे सकती है, MSc IT वाले दे सकते हैं, MCA वाले दे सकते हैं, बट BCA वाले नहीं दे सकते। बट इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल ये है कि आप साइंस या इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड में हो, आप ये एग्जाम दे सकते हो। सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है दैट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट योर कोर्स इन द ईयर 2025, 2026, 2027 और 2028, देन यू कैन गिव द एग्जाम। थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज आप किसी भी रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट से होने चाहिए हो। अब एज अ स्टूडेंट व्हेन यू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट, व्हाट डू यू गेन? सो एज आई टोल्ड यू कि टॉप 3 विनर्स जो होते हैं उनको 20,000 USD का प्राइज मनी मिलता है। सेकेंडली, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के साथ कम्पीट करने के लिए इन द प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट एंड शोकेस योर प्रोग्रामिंग स्किल्स। नेक्स्ट अप, यू गेट अ चांस टू एक्सप्लोर एक्साइटिंग करियर्स विद वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल ब्रांड्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करियर स्टार्ट करना चाहते हैं विथ प्रैक्टिकल लर्निंग बाय मैंग इंस्ट्रक्टर्स एंड बाय गेनिंग नॉलेज ऑन CS फंडामेंटल्स एंड प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड बाय मेकिंग फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, then BossCoder is here with its campus coder program. Through this program, a lot of students have cracked their dream companies like Microsoft, Atlassian, Make My Trip, etc. and kuch success stories aap apni screen par read out kar sakte ho. The course is amazing because jo curriculum hai wo bahut structured aur industry relevant hai. Phase wise aapko one on one mentorship sessions and programming language padhai jayegi, problem solving in data structures and algorithms, computer science fundamentals, system design, full stack development projects, and the classes will be taken by instructors who are tech giants in companies like Microsoft, Samsung and PhonePe. You can read about the instructor and the detailed syllabus on your screen, and throughout the course aap 500 se zyada questions solve karoge, so aapka ek SD ka strong portfolio ban jayega which will help you crack your dream product based company. At the end of the course you are going to get a certificate from NASSCOM, which is an initiative by Government of India. प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड लेट्स से यू गेट एनरोल्ड एंड यू स्टार्टेड स्टडीइंग इन द कोर्स एंड इन बिटवीन आपको कोर्स समझ में नहीं आ रहा है, देन दे हैव 14 डेज रिफंड पॉलिसी एज वेल। सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सेलरेट योर टेक करियर, देन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द कैंपस कोडर प्रोग्राम। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन इन द वीडियो। नाउ लेट्स जंप टू द एग्जाम फॉर्मैट। तो इसका एग्जाम फॉर्मैट TCS NQT के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट होता है।
अब TCS एंड QD में आपका एप्टीट्यूड का पूरा सेक्शन होता है, देन यू हैव द कोडिंग सेक्शन एंड फर्दर आपका इंटरव्यू होता है। और एप्टीट्यूड में भी आपको लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड सब पे फोकस करना होता है। बट इसका एग्जाम पैटर्न बहुत डिफरेंट है, यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड बिल्कुल भी नहीं आता, यू ओनली गेट कोडिंग क्वेश्चंस। अब इसमें थ्री राउंड्स होते हैं, फर्स्ट इज द प्री क्वालिफायर राउंड, देन क्वालिफायर राउंड एंड देन द फाइनल राउंड। फर्स्ट राउंड में आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं एंड द टाइम ड्यूरेशन दैट इज गिवन टू यू इज 6 आवर्स। जो सेकंड राउंड होता है उसमें आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं एंड टाइम ड्यूरेशन दैट इज गिवन टू यू इज 8 आवर्स। एंड द थर्ड एंड द फाइनल राउंड हैज 10 क्वेश्चंस एंड द टाइम दैट इज गिवन टू यू इज 10 आवर्स। सो बेसिकली ये पूरा 24 आवर्स का कॉन्टेस्ट होता है, तो लेवल ऑफ कोडिंग काफ़ी हाई होनी चाहिए टू क्वालिफाई इन दिस एग्जाम। अब क्वालिफिकेशन का भी थोड़ा सा अलग सिस्टम है, वो मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे। तो मोटा मोटा एग्जाम का पैटर्न ये है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ कि प्रिपेयर क्या करना है, तो आपके कोडिंग फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर DSA। DSA में भी तुम्हें ग्रीडी एल्गोरिदम, स्टैक, क्यू, मैपिंग के कॉन्सेप्ट्स, एरे, बिट मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ट्री, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड थोड़े थोड़े CP के क्वेश्चंस करे होने चाहिए, बैक ट्रैकिंग, ग्राफ, इन सब पे स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन काफ़ी हाई होता है। सो इसको TCS NQT से बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत करना, अगर तुम TCS NQT की प्रिपरेशन कर रहे हो सो TCS CodeVita की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, तुमको TCS CodeVita के लिए अलग से प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि NQT में तुम्हारा मेजर सेक्शन एप्टीट्यूड का होता है एंड कोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल इतना हाई नहीं होता, बट यहाँ पर कोडिंग का लेवल काफ़ी हाई होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो ऐसे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, बट आपको सेकेंड चांस नहीं मिलता टू डू एनी सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन। सो वेन एवर यू आर डूइंग द रजिस्ट्रेशन, यू मेक श्योर कि सारी चीज़ें करेक्ट डालना और सबमिट करने से पहले सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करना। क्योंकि मैंने काफ़ी बार ऐसा सुना है दैट अगर आपकी छोटी सी कोई मिस्टेक होती है, लेट्स से आपका 12th का CGPA आप लिख रहे हो एंड 9.0 की जगह आपने सिर्फ 9 लिख दिया, तो काफ़ी सारे लोगों को फिर वो एडमिट कार्ड नहीं मिलता है टू अपीयर फॉर द टेस्ट। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत ध्यान से भरना, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में अच्छे से जितना पूछा जाएगा उस तरीके से पूरा भरना, अपने 10th का 12th का मार्कशीट, पैन कार्ड या आधार कार्ड, जिसकी भी डिटेल्स लगेंगी उसको लेके बैठना एंड अच्छे से फॉर्म भरना इत्मीनान से। एक बार तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद यू गेट द मॉक टेस्ट लिंक, MockVita कहते हैं इसको, टू चेक योर सिस्टम कंपैटिबिलिटी, वेदर योर सिस्टम इज कंपैटिबल टू गिव द कॉन्टेस्ट और नॉट, एंड ऑल्सो टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल जो कॉन्टेस्ट होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, बिकॉज इन दिस एग्जाम अडेप्टिविटी एंड क्वेश्चन स्विचिंग इज नॉट अलाउड। सो वंस यू गिव द MockVita यू विल गेट टू नो द एग्जैक्ट फॉर्मैट ऑफ द कॉन्टेस्ट एंड ऑल्सो यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि एग्जाम वाले दिन आपको किस तरीके से अपेयर करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन गेट आफ्टर गिविंग द TCS CodeVita एग्जाम। तो देखो TCS CodeVita में तुम्हारे 3 राउंड्स होते हैं, प्री क्वालिफायर राउंड, क्वालिफायर राउंड और फाइनल राउंड। अब अगर तुमने प्री क्वालिफायर राउंड में ही 3 या 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं तो उसके बाद तुम्हें निंजा का कॉल आ जाएगा। 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस के बाद निंजा का कॉल आ जाता है। तुमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं तो तुमको डिजिटल का कॉल आ जाता है एंड अगर तुमने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं तो तुमको प्राइम का कॉल आ जाता है। लेट्स से अगर तुमने सेकेंड राउंड क्वालिफाई नहीं भी किया तो भी, ये मैं फर्स्ट राउंड की सिर्फ तुमसे बात कर रही हूँ, एंड अगर तुमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं फर्स्ट राउंड में देन आपकी रैंक 1500 के अंदर आ जाएगी। पहले तो 1-2 क्वेश्चन भी कर लो तो अच्छी रैंक आ जाती थी, बट अब ऐसा नहीं होता, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। तो 4 क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारी इजीली 1500-1600 के अंदर रैंक आ जाएगी, उसके बाद तुम निंजा के लिए अपीयर हो सकते हो। कुछ नहीं, ये तुम्हारा एक तरीके से ना जो एप्टीट्यूड राउंड हुआ करता था ना TCS NQT में, उसको रिप्लेस कर दो। तुमने डायरेक्ट एक कोडिंग टेस्ट दे दिया, उसके बाद तुमको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आएगा, बीच में कोई अलग से और टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर मैं सैलरीज़ की बात करूँ कि TCS कौन सी सैलरीज ऑफर करता है किस किस प्रोफाइल के लिए, सो TCS निंजा की जो प्रोफाइल होती है उसमें अगर तुम अंडर ग्रेजुएट हो तो तुम्हें 3.36 LPA का पैकेज मिलेगा और अगर तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो तो तुमको 3.53 का पैकेज मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर तुमने TCS डिजिटल क्वालिफाई किया तो इन दैट केस आपको 7 LPA पैकेज मिलेगा फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड 7.73 मिलता है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स।
फर्दर अगर आप TCS का प्राइम इंटरव्यू क्लियर करते हो तो आपको पैकेज मिलेगा अंडर ग्रेड में 9 LPA, एंड अगर आप पोस्ट ग्रेड कर रहे हो तो आपको 11.5 LPA का पैकेज मिलेगा। सो आप ऐसे समझो कि आपने अगर TCS कोडवीटा का एग्जाम दिया है और आपने राउंड वन बहुत अच्छे से क्लियर किया है, क्योंकि इन टोटल आपका सिर्फ स्कोर काउंट होता है कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किए हैं एंड हाउ वॉज योर कोड क्वालिटी, हाउ वॉज योर लॉजिक। एंड अगर आप टॉप परफॉर्मर होते हो तो यू गेट द प्राइम अपॉर्चुनिटी, एंड प्राइम में आपका पैकेज इजिली 11.5 LPA होगा। आई होप आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की क्लैरिटी हो गई होगी कि वंस यू गिव द TCS कोडवीटा कॉन्टेस्ट आपको किस टाइप की जॉब मिलेगी एंड क्या पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड येस ऑफ कोर्स इफ़ यू आर द टॉप 3 विनर देन यू विल गेट द प्राइज मनी एज वेल, एंड बहुत अच्छी टीम के साथ काम करने का मौका मिलता है आपको फिर। चलो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्किल्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन इफ़ यू आर गोइंग टू अपियर फॉर द TCS कोडवीटा कॉन्टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर फोकस करना है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड दैट विल ओनली कम बाय प्रैक्टिस। 3 to 4 months की अच्छी प्रैक्टिस लगेगी एंड ऑफकोर्स योर इंटरेस्ट इन टू DSA। अब DSA स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए, एल्गोरिथम्स टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, एंड यू शुड बी वेरी प्रो एट इम्प्लीमेंटिंग इट इन टू द लॉजिक। एंड प्रिपरेशन के लिए तो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। यूट्यूब पर काफ़ी सारे ऐसे चैनल हैं, एडिस्ट करके एक चैनल है जिसके फ्री ट्यूटोरियल्स तुम फॉलो कर सकते हो, neetcode.io है, learncodecamp.org है, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिनको तुम फॉलो कर सकते हो, जैसे शीट फॉलो कर सकते हो बड़े यूट्यूबर्स की। एंड देन साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज DSA विदाउट प्रैक्टिस नहीं आता। इट्स लाइक मैथमेटिक्स, अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया तो नो मैटर हाउ मच यू मेमोराइज द फॉर्मूला एंड लॉजिक एंड सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। परफॉर्म करते टाइम पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तुम मैसअप करोगे। सो DSA कम्स ओनली विद प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस के लिए यू कैन प्रेफर कोड शेफ, कोड फोर्सेस, हैकर रैंक, हैकर अर्थ एंड ऑफकोर्स लीड कोड। लास्ट में द मोस्ट अनटॉक्ड कॉन्वर्जेशन जो कि कोई डिस्कस नहीं करता है, विच इज़ द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर योर TCS कोडवीटा कॉन्टेस्ट। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ। सो पहली चीज़ कि जब भी एग्ज़ाम दो तो मेक श्योर कि अपने दोस्तों के साथ अपियर करो कॉन्टेस्ट में, अकेले मत जाना, क्योंकि क्या होता है एक थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, दोस्त रहते हैं साथ में तो। और कभी कभी क्या होता है क्योंकि ये 24 आवर्स का कॉन्टेस्ट है तो ऐसा नहीं कि बस 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा और फट से यू आर बैक टू योर डेली लाइफ। बहुत टाइम टेकिंग होता है एंड काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत दिमाग लगता है, तो 4-5 दिमाग जब मिलते हैं ना तब मज़ा आता है सॉल्व करने में। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथ में देना है कोई बात नहीं, लेकिन TCS के साथ एक ऐसी चीज़ है कि प्लेजरिज्म बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है वो। तो जैसे कि मैंने अगर अभी कोई अपना कॉन्टेस्ट दिया और मैंने क्वेश्चन सबमिट किया एंड मेरे दोस्त ने भी और दूसरे दोस्त ने भी सेम लॉजिक लगाकर सेम तरीके से एकदम क्वेश्चन लिख दिया, सॉल्व कर दिया एंड सबमिट कर दिया इन द सेम लैंग्वेज, तो ऑफकोर्स बाकी दोनों का डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उनका, जो अगर प्लेजरिज्म पकड़ा गया, चूँकि पकड़ा जाता है ऑफकोर्स TCS कोडवीटा के एग्जाम में, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसका सिंपल सा हैक ये है कि दोस्तों के साथ बैठ के सॉल्व करो, लॉजिक भले ही सेम लगे क्वेश्चन में लेकिन सब अलग अलग लैंग्वेजेस में कोड कर देना, तो उससे प्लेजरिज्म नहीं होगा। सो पहली चीज़ तो ये है कि दोस्तों के साथ कॉन्टेस्ट देना, मज़ा भी आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने में का मोटिवेशन भी मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर सेम लॉजिक दोस्त भी यूज़ कर रहे हैं तो लैंग्वेज अपनी चेंज कर देना, अपना किसी दूसरी लैंग्वेज में कर लेना, या तुम सब मेक श्योर करना कि सब अलग अलग लैंग्वेजेस में कोड कर रहे हो। और तीसरी चीज़ जो ध्यान में रखने वाली ये है कि टारगेट करो कि एटलीस्ट 3 questions कर पाओ तुम। तो अगर तुम्हारे 3 questions हो गए ना तो तुम उसके बाद डेफिनेटली तुमको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, और उसके बाद प्रोसेस बहुत सिंपल है। इवन इफ़ यू आर नॉट टारगेटिंग और मोटिवेटेड इनफ टू गेट द प्राइज मनी, बट एटलीस्ट जॉब तो तुम्हारी सिक्योर हो जाएगी इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व 3 questions नाइसली। So I hope I have covered everything about the TCS Codevita exam in this video in detail. Registration का link मैं description में दे दूँगी. Don't forget to check that out. बाकी अगर video अच्छी लगी है, so don't forget to hit that like button, share it to your friends and family and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell notification so that you get notified जब भी मैं कोई नई video डालूँ तो. Placement series की मैंने और भी बहुत सारी videos बनाई है. You can check out over here. Thank you so much for watching.